हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल देवभूमि करियर पॉइंट। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? फ्रेंड्स देखिए, काफ़ी अभी एग्जाम्स होने वाले हैं। फ्रेंड्स जैसे मैं सेंट्रल एग्जाम की बात करूं, रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म सभी एस्पिरेंट्स भर ले। फ्रेंड्स देखिए, उसमें आईटीआई की बाध्यता खत्म हो गई है। फ्रेंड्स केवल क्वालिफिकेशन 10th पास है और कुछ अच्छी पोस्ट भी उसमें रहती हैं। तो मैं बोलना चाहूँगा जो गर्ल्स हैं वो भी इस फॉर्म को फिलअप करें, ठीक है फ्रेंड्स। इसके अकॉर्डिंग भी मैं आपको चैप्टर देते रहूँगा, क्योंकि देखिए जो जनरल साइंस है, जीके 5000 एमसीक्यूज वाली सीरीज है, और ये साइंस के जो मैं आपको ट्रिक्स वगैरह देता हूँ, ये सभी चीज़ वहाँ पर आएंगी। और साथ में थोड़ा रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन भी इंक्लूड होते हैं ग्रुप डी के एग्जाम में फ्रेंड्स, ठीक है। बाकी सब उत्तराखंड वाली हम तैयारी कर ही रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो आज इसी क्रम में मैं लाया हूँ फ्रेंड्स आपके लिए साइंस का थोड़ा एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है फ्रेंड्स। ये ट्रिक है, कोई डिस्क्रिप्टिव नहीं है इसमें, मैंने ट्रिक दी है। जो रोग होते हैं फ्रेंड्स, विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ या कवक के द्वारा फैलते हैं जो रोग, उनकी ये ट्रिक है फ्रेंड्स, ठीक है। काफ़ी रोग होते हैं और इनको एक साथ याद करना काफ़ी कन्फ्यूजिंग रहता है। तो आप एक बार में इस ट्रिक को अगर याद कर लेंगे तो सभी आपको याद आ जाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फ्रेंड्स विषाणु से होने वाले रोग, ठीक है। तो वायरस के थ्रू जो रोग फैलते हैं फ्रेंड्स, वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो इसका जो शॉर्टकट ट्रिक है फ्रेंड्स, वो है रेखा हमें एक पोलो हिट करके छोड़ गई। तो देखिए, विषाणु से होने वाले रोग की जो ट्रिक है फ्रेंड्स, वो है रेखा हमें एक पोलो हिट करके छोड़ गई। तो रेखा नाम की कोई लड़की थी, उसने पोलो से हिट किया और छोड़ के चली गई हमें, ठीक है। तो अब इसको हमने जानना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो रे से बन गया, देखिए रेखा, रेखा से बन गया रेबीज और खसरा, ठीक है। रेखा से बन गया रेबीज और खसरा, ठीक है। हमें से आपने लिखना है हो, हो से हमें से हर्पीस बन गया, और मैं से बन गया मैनिंजाइटिस, ठीक है। ध्यान रखेंगे, मैनिंजाइटिस एक खतरनाक रोग है जो वायरस से होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। एक से आपने लेना है एड्स, ठीक है, एस एड्स, और पोलो से लेना है आपने फ्रेंड्स पोलियो, ठीक है। पोलियो भी वायरस जनित रोग है फ्रेंड्स, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, हिट करके, ठीक है। तो हिट से आपने ही को लेना है हेपेटाइटिस, ठीक है। हेपेटाइटिस भी बहुत ही एक रोग होता है, ठीक है। इसके लिए टीके लगते हैं, काफ़ी जागरूकता अभियान फैलाया जाता है फ्रेंड्स। और टॉ से आपने निकालना है ट्रैकोमा, ठीक है, आँख संबंधी बीमारी है ट्रैकोमा, ठीक है। करके आपने साइलेंट रखना है फ्रेंड्स, ठीक है। छोड़ गई में आपने छो लेना है छोटी माता, स्मॉल पॉक्स। और डॉ से हो गया डेंगू बुखार, ठीक है। डेंगू बुखार भी वायरस जनित रोग है फ्रेंड्स, ठीक है। काफ़ी बार कन्फ्यूज रहता है, मच्छर से फैलता है ये, ठीक है। गई से आपने बनाना है गौ से बन गया गलसोद, और ई से बन गया इन्फ्लुएंजा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गए विषाणु से होने वाले रोग। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, रेखा हमें एक पोलो हिट करके छोड़ गई, रेबीज, खसरा, हर्पिस, मैनिंजाइटिस, एड्स, पोलियो, हेपेटाइटिस, ट्रैकोमा, छोटी माता, डेंगू बुखार, गलसोद और इन्फ्लुएंजा, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स जीवाणु द्वारा होने वाले रोग। तो रोग जो बैक्टीरिया से फैलते हैं फ्रेंड्स, इसका जो ट्रिक है फ्रेंड्स, वो है गोटी निमो ने TBCD प्ले किया है। गोटी और निमो कोई दो भाई बहन हैं, उन्होंने क्या किया है TB और CD प्ले किया है फ्रेंड्स, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस सेंस को, आपने बिल्कुल जकड़ लेना है अपने माइंड में, ठीक है। गोटी निमो ने TBCD प्ले किया है फ्रेंड्स। तो गोटी, गो से बन गया फ्रेंड्स गोनोरिया, ठीक है। गोनोरिया जो रोग होता है जीवाणु जनित है। टी से बन गया टिटनेस, ठीक है, ध्यान रखेंगे। निमो से बन गया निमोनिया, तो निमोनिया कैसा है जीवाणु जनित रोग है फ्रेंड्स। टीबी से आपका बन गया, एक तो टीबी सीधे बन गया, ठीक है। टीबी रोग जो क्षय रोग होता है वो जीवाणु से होता है, और टीबी से ही आपने टी निकाल के बनाना है टाइफॉइड। टाइफॉइड भी किससे होता है, जीवाणु से होता है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है CD, तो CD से बन गया सिफिलिस, डी से बन गया डिप्थीरिया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सी से बन गया सिफिलिस और डी से बन गया डिप्थीरिया, ये भी जीवाणु जनित रोग है फ्रेंड्स, ठीक है। प्ले से बन गया फ्रेंड्स प्लेग, यहाँ पे प्लेग छूट गया है, ध्यान रखेंगे, प्लेग में भूल गया इसमें लिखना, प्ले से बन गया प्लेग, ठीक है। किया से आपने कॉल लेना है काली खांसी, और है से लास्ट में बन गया हैजा, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। गोटी निमो ने TBCD प्ले किया है फ्रेंड्स, ठीक है। प्लेग इसमें छूट गया, प्ले से प्लेग बनेगा, ठीक है। प्लेग जो चूहों से फैलता है, ये जीवाणु जनित रोग है फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कवक द्वारा होने वाले रोग, ठीक है। तो कवक, फंगल के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं मानव शरीर में, ठीक है। तो कवक के द्वारा होते हैं फ्रेंड्स, इसका शॉर्टकट है गंदा दमन खाए फ्रूट। कोई दमन नाम का लड़का है, ठीक है, और वो गंदा था, और वो क्या कर रहा था, फ्रूट खा रहा था, ठीक है। गंदा दमन खाए फ्रूट, तो गंदा, तो गंदा, गंग निकालना है आपने, गंद से बन गया गंजापन, ठीक है। दा से बन गया दाद, दाद खाद जो होता है, रिंगवर्म हो जाते हैं जो, ठीक है। दमन से बन गया दमा, ठीक है। खाए, खो निकालना है आपने, खुजली। और फ्रूट से बन गया एथलीट फुट नामक एक रोग हो जाता है फ्रेंड्स, जो कि कवक से होता है, ठीक है, एथलीट फुट।
तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ये ट्रिक हो गई गंदा दमन खाए फ्रूट, ठीक है। गंजापन, दांत, दमाग, खुजली, एथलीट फूट, ये सभी रोग होते हैं कवक से, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स प्रोटोजोवा से होने वाले रोग, ठीक है। तो प्रोटोजोवा से जो रोग फैलते हैं फ्रेंड्स, उसका ट्रिक है सोने पे काम पाया, ठीक है। आप सो ही लेते, सोते सोते आपको काम मिल गया, चलो भाई बेरोजगारी दूर हुई इसी बहाने, ठीक है फ्रेंड्स। तो सोने पे काम पाया, ठीक है। तो ये ट्रिक आपने मेंशन करनी है। सोने से हो गया फ्रेंड्स सोने की बीमारी, पे से हो गया पेचिस, का निकालना है आपने कालाजार, मौ से निकालना है मलेरिया, और पाया से निकालना है पायरिया। तो ये फ्रेंड्स प्रोटोजोवा जनित रोग है फ्रेंड्स, ठीक है। सोने पे काम पाया, सोने की बीमारी, पेचिस, काम के का से निकालना है कालाजार, मौ से निकालना है मलेरिया, पाया से बन गया पायरिया फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज के ट्रिक फ्रेंड्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी फ्रेंड्स, और आगे भी ऐसी वीडियो आपको दी जाएंगी, अच्छे से अच्छे डिस्क्रिप्टिव भी दी जाएगी, एमसीक्यू सीरीज भी दी जाएगी, रीजनिंग मैथ भी, और उसके साथ साथ जीके ट्रिक भी, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जो भी किसी की पर्सनल क्वेरी हो फ्रेंड्स, आप हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, देवभूमि करियर पॉइंट के नाम से हमारा फेसबुक पेज है फ्रेंड्स, इसको ज्वाइन कीजिए, और आपकी जो भी पर्सनल क्वेरी होती है फ्रेंड्स आप मैसेज कर सकते हैं इस पे, ठीक है। फेसबुक पे मैं आपको तुरंत रिप्लाई दूंगा फ्रेंड्स, ठीक है। काफी लोग बोल रहे थे सर प्लीज ऐड, अभी ऐसा कोई ग्रुप क्रिएट नहीं हुआ फ्रेंड्स, ठीक है। जल्दी ही एक टेलीग्राम या व्हाट्सअप ग्रुप शुरू करेंगे हम, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए अपना अच्छे से ध्यान रखिए, अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए, बिल्कुल भी होपलेस नहीं होना फ्रेंड्स। देखिए आशा जिसके मन में है ना फ्रेंड्स, वो सब कुछ जीत सकता है, ये मान के चलिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से तैयारी कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय देवभूमि।